साथ ही विदिशा जिले के बाढ़ पीड़ितों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से सिंगल क्लिक के माध्यम से राहत राशि का वितरण किया। विदिशा जिले के 534 गांवों के 14,419 बाढ़ पीड़ितों के लिए 11,03,15,000 की राशि जारी की है। बाढ़ प्रभावित बाकी जिले भी सर्वे का काम यथाशीघ्र पूरा करें, जिससे प्रभावित किसानों और गरीबों तक सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके बैंक खातों में राहत राशि पहुंचाई जा सके और नुकसान की भरपाई की जा सके। भीषण बाढ़ में भी हमारी तत्परता और कर्तव्यनिष्ठता के कारण हमने कोई जान नहीं जाने दी। जितने प्रयास हो सकते थे हम सभी ने मिलकर किए। बाढ़ से प्रभावित जिलों के प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करें, कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे में ना छूटे। बचाव कार्य के लिए एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, होमगार्ड के जवान, जिला प्रशासन, पुलिस के सारे मित्र हमारे और हमारे जनप्रतिनिधि और मंत्रीगण भी दिन रात जुटे रहे। हम लोग सफल रहे, हम सब दिन और रात जुटे रहे, इसलिए इंसान की जिंदगी हमने सुरक्षित कर ली, लेकिन फसलों का और घरों का सामान का नुकसान तो हुआ ही है। और इसलिए हमारी सरकार की ये पहली प्राथमिकता है कि जिन जिलों में जनता जनार्दन का, किसानों का, फसल का नुकसान हुआ है, मकानों में नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, उस नुकसान कि हम भरपाई करने की कोशिश करें। क्योंकि सभी कलेक्टर्स को यह कहना चाहता हूं, प्रभावित जिलों में प्रभारी मंत्री मॉनिटरिंग करें कि कोई भी पात्र व्यक्ति सर्वे में छूटना नहीं चाहिए।